अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगी जी। जनाब आप खैरियत से होंगी? और जी आज बहुत ही एक ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ मैं हूँ हाज़िर। और जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी भी चल रही है और वेडिंग सीज़न ज़रा ऑफ ही होता है और बहुत कम ब्राइड्स हो गई, बहुत कम इस तरह के मेकअप ट्यूटोरियल्स या मेकअप्स पार्टी के कुछ भी इस तरह का जो है वो बहुत कम चल रहा होता है, कम कम। और मोस्टली यही होता है आजकल के हम लोग बस सेलॉन पे स्टूडेंट्स आ रही हैं, उनको सिखा रहे हैं या इस तरह का कुछ कर रहे हैं, तो मैं बहुत कम ट्यूटोरियल जो है वो बना पा रही हूँ या बहुत कम इस तरह की एक्टिविटी में हूँ। तो आजकल जी मैंने स्टार्ट किया हुआ एक डाइट प्लान अपना, और जिसमें मैं क्या खा पी रही हूँ और मेरा वेट क्या है, मेरी एज क्या है, मैं अपने बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताती चलूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आप लोग ये चेक करें कि मेरा मेल चेक कर लें आप लोग यहाँ पे। मेल को मैंने क्या, ये तकरीबन 1:30 बजे का टाइम है, 2 बजने वाले हैं। दोपहर का जो लंच है वो मैं क्या खा रही हूँ, मैंने कहा चलो सोचा, खाते खाते मुझे याद आया कि चलो मैं एक छोटा सा जो है वो व्लॉग बना देती हूँ यहाँ पे। खीरे खा रही हूँ आजकल। जो मेरी डाइट है वो बहुत सख्त मैंने की हुई है अपनी डाइट। मैं कहती हूँ आप लोग अपने खुद को जितना कम खाने की आदत डाल लेते हो ना, तो आपका जो स्टमक है, आपका जो मैदा है, वैसे ही सेट हो जाता है जितना आप लोग उसको खाने की आदत डालते हो। मेरा ये ख्याल है कि आप लोग जितना ज़्यादा खाओगे उतना ज़्यादा जो है आपके पेट में जाएगा, तो मैदा उतना ज़्यादा फूलता है और उतना ही ज़्यादा आप लोगों को क्रेविंग होती है, खाने की आदत होती है उतनी ज़्यादा। जितनी ज़्यादा आप लोग कम करोगे उतना ज़्यादा जो है आप लोगों को आदत हो जाएगी कम खाने की। तो जो आजकल मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और लंच में क्या खा रही हूँ, डिनर में क्या खा रही हूँ, जिन लोगों का वेट जो है बड़ा हुआ है या पेट बड़े हुए हैं, तो वो लोग जो है मेरे साथ मिलके, जो भी मुझे देखने वाली हैं जिनका वज़न ज़्यादा है या कम करना चाह रही हैं, तो मेरे साथ मिलके वो स्टार्ट कर सकती हैं। हम लोग एक चैलेंज बना लेते हैं कि 1 मंथ में हम लोगों ने, मैंने अपना एक रखा हुआ है कि मैं इंशाल्लाह 5 kg लॉस करूँगी। तो मैं पहले क्या खाती थी, मैं पहले खा लेती थी सुबह उठ के, मेरा मेरी आदत थी नाश्ते में पराठा, चाय, वो भी चीनी वाली चाय, और साथ में जो भी सालन बना है नहीं तो फ्राई एग जो है वो खा लेती थी, या कभी ऑमलेट बना लेती थी साथ में। दोपहर में भी 1 से 1.5 रोटी आम नॉर्मल जो घर में बनती है वो मैं खा लेती थी, या कभी नहीं भी हुआ तो मैंने समोसे खा लिए, पार्लर हूँ सैलून पे हूँ, समोसे खा लिए या आलू वाला नान, इस तरह की चीज़ें। अगर डिनर में मैं कुछ खा रही हूँ तो वो भी रात जो भी सालन बना है, जो भी रोटी बनी है वो खा रही हूँ, बिरयानियाँ खा रहे हैं हम लोग, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ये सारी कुछ जो है वो हमारी डाइट में चीज़ें जो है वो ऐड है। ठीक हो गया यहाँ पे जी जनाब। तो अब जो मैंने स्टार्ट किया है, मुझे 5 दिन हो गए हैं, 16 डेट से मैंने स्टार्ट किया था, 16 जुलाई 16 जुलाई, तो मैंने अपना जो है वेट लॉस करना स्टार्ट किया है। मैंने अपने डाइट पे क्या स्टार्ट किया है तो मैं आपको बताती चलूँ यहाँ पे। सबसे पहले आप लोगों को मेरा पता ही होगा कि आसफा यकूब के नाम से मेरा ये यूट्यूब चैनल है, और इसमें मैं मेकअप्स करती हूँ, बहुत सारी मेरी मेकअप्स की वीडियो होती हैं, हेयर से रिलेटेड होती हैं, इस तरह की वीडियोज़ होती हैं। और यहाँ पर मैं अपनी वेट लॉस जर्नी आप लोगों से स्टार्ट कर दूँ कि पहले भी मैंने एक दफ़ा किया था, बहुत कम वेट लॉस किया था, तब भी मेरी यही वाली रूटीन थी, फिर मैंने गेन कर लिया, बहुत सारा कुछ इश्यूज़ थे। एक तो मेरी बैक बोन जो है उसमें थोड़े इश्यूज़ हैं, मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकती। तो यहाँ पे एज जो है वो मेरी 30 है, और मैं क्या करती हूँ जी, मैं करती हूँ मेकअप्स वगैरह और सैलून रन कर रही हूँ, और एक जाहिर सी बात है हाउस वाइफ भी हूँ, बच्चे हैं उनके साथ सारा मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं कहती हूँ भूख जो है ना एक ऐसी चीज़ है, आप बढ़ाओ जितनी बढ़ाओ बढ़ती जाती है, और कम करना है तो किस तरह करना है। और जो मेरा वेट है वो जनाब, मेरा वेट जो है 82 kg है, 82 kg। मेरा वेट बहुत ज़्यादा भी होता था ना, जब मुझे प्रेगनेंसी होती थी या बच्चे होते थे तब मेरा वेट बढ़ के 74 kg होता था, और 68 kg जो था ना मेरा नॉर्मल वेट था शादी के बाद, बच्चों के दरमियान भी, जब बच्चे पैदा कर लिए हो गए बस, अब जो मेरा मतलब वेट है वो मेरा वेट जो है 82 बढ़ गया। इतना ज़्यादा वेट जो है वो मैं कहती हूँ कि आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, आप लोगों की मतलब आप चलने फिरने में बड़ी मुश्किल होती है, आप समझते हो कि एक एक्स्ट्रा वेट जो है ना हम लोगों ने अपने साथ लगाया हुआ है, बोझ है हमारे ऊपर, इसको उतारना चाहिए,
मैं कहती हूँ अपने आप को ना शर्म ज़रूर दिलानी चाहिए कि हम लोगों ने एक अच्छी डाइट लेनी है, अच्छा खाना पीना है। जाहिर सी बात है, कोई भी वर्किंग वूमेन है या घर की जो भी हाउस वाइफ है, तो वो जब तक अपना ख्याल नहीं रखेगी, वो अपने सारे काम किस तरह से मैनेज करेगी। मेरा ख्याल है कि उसको अपने आप पे पहले ध्यान देना चाहिए कि हम लोग क्या हैं। तो बात यहाँ पे बहुत लंबी हो जाएगी, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना वेट का बता दूँ कि जो मैंने अब खाना स्टार्ट किया है, मैंने पहले भी ये डाइट की थी, तो मेरा माशाल्लाह से 5 से 6 kg कम हुआ था। फिर मैंने दरमियान में फिर मैंने छोड़ दी कुछ सेहत के इश्यूज़ की वजह से, तो अब मैंने दोबारा स्टार्ट की। इंशाल्लाह मैं जो है मैं चाह रही हूँ, मैं 70 kg तक मेरा टारगेट है कि मैं इसको करूँगी। तो जो मैंने 12 किलो वेट कम करना है, किस तरह से करना है, सबसे पहले सुबह उठ के मैं क्या खा रही हूँ, मैंने 2 बॉयल्ड एग, और जिनकी एक ही जर्दी होती है तो एक ही नहीं होती मेरे नाश्ते में, तो चाय लेती हूँ। चाय के बगैर मैं नहीं रह सकती, लेकिन उसमें मैं अब शुगर जो है वो नहीं लेती। बगैर शुगर के, बगैर चीनी के, मैं चाय का 1 कप लेती हूँ। तो यहाँ पे 1 कप के अलावा दूसरी जो चीज़ है वो है नाश्ता। मैंने ये नाश्ता कर लिया, पानी मैं बहुत पीती हूँ सुबह उठ के। निहार मुँह यहाँ पे बताती चलूँ, भूल गई मैं कि सुबह उठ के निहार मुँह पानी में मैंने 1 लेमन गर्म पानी में, पानी इतना गर्म होना चाहिए जितना आप लोग पी सकते हो। ये चीज़ आजमाई हुई है, आप यकीन करें, आप लोग जब ये स्टार्ट कर देंगे ना, आपको खुद अपना हल्का फुल्का फील करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इन चीज़ कम करना, वेट को कम करना, ये अपनी बॉडी को शेप में लेके आने के साथ साथ आपको एक्सरसाइज वॉक लाजमी है। यहाँ पे जी जनाब, मैंने जो सुबह उठ के लेमन गर्म पानी में डाल के वो पिया, 1 गिलास भर के पीती हूँ, स्टील वाला गिलास जिसमें पानी थोड़ा ज़्यादा होता है, एक शीशे वाला गिलास होता है उसमें पानी कम डलता है, तो बड़ा मैंने गिलास भर के एक पानी का पीना होता है। उसके आधे घंटे बाद मैंने नाश्ता करना होता है, 2 एग, जिसकी एक जर्दी होती है एक की नहीं, तो 1 चाय का कप। और उसके बाद तकरीबन मैं कुछ नहीं खाती, पानी बहुत ज़्यादा पीती रहती हूँ पीती रहती हूँ। फिर मैं दोपहर में तकरीबन, अब जैसे कि 2 बजने वाले हैं, तो मैंने 1 मुट्ठी भुने हुए ब्लैक चने लिए, और जिसके साथ मैंने 2 खीरे लिए हैं, और बस ये मेरा लंच है। और साथ में मैंने 1 पानी की बॉटल बना के रखी हुई है, ये वाली, ये देखें, ये ज़ीरा पानी इसमें मैंने बनाया हुआ। ज़ीरा किस तरह, ज़ीरा को मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट किया था, उसको पाउडर बना लिया, पीस लिया, उसमें थोड़ा सा काला नमक, और उसमें थोड़ा सा काला नमक के साथ मैंने उसमें थोड़ी सी 1-2 जो काली मिर्च होती है ना वो तकरीबन ऐड की थी, क्योंकि जैसे मोटापा होता है बहुत, जिस्म जिसका नरम होता है, जिसको कह लें आप थोड़ी सी बॉडी जो है ना हमारी, कहते हैं वाई होती है बड़े जो कहते हैं हमारे, तो मेरी बॉडी भी थोड़ी इस तरह की है। मैं थोड़ी काली मिर्च जो है वो ऐड करती हूँ अपनी किसी भी डाइट में, चीज़ों में, तो मैंने थोड़ी, बिल्कुल थोड़ी सी इसको मिला के, तो अच्छा सा पाउडर बना के इस पानी में ऐड कर लिया। अब ये पानी मैंने सारा दिन पीना है, और उसके बाद जो है ये पानी आप ये सारा दिन पिए। और रात का जो लंच है ना, वो मैं आधी रोटी लेती हूँ, दरमियान में 5 बजे जो है वो मैंने ब्लैक कॉफ़ी लेनी होती है, 5 बजे ब्लैक कॉफ़ी लेनी होती है। रात को मैंने जो भी सालन बना है उसके साथ आधी रोटी लेनी है, आपके घर जो रोटी बनती है उससे आप आधी ले लें बस। इसके अलावा आपने कोई चोंचले नहीं करने, कोई ये आप चिकन रोस्ट कर रहे हो या स्टीम कर रहे हो, या आप उसको कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो आप लोगों के, मतलब एक बिजी वुमेन मैं कहती हूँ जो होती है ना, उनकी ये बस में चीज़ें नहीं होती कि हम लोग इन चीज़ों को मैनेज कर सके, अपने लिए इतना टाइम निकाल सके कि हम अलग से लंच ये वो चीज़ें बनाते फिरें और उनको मैनेज कर सकें। लेकिन ये जो मैं बता रही हूँ आप, इतना इजी है, इतना आसान है, आप लोग आराम से जो घर में बना है वो खा लें। रात को आप टाइम सोने से ना 1.5-2 घंटे पहले आपने खाना शाना खा लेना, और सोते टाइम आपने ग्रीन टी का जो है 1 कप पी लेना, और जनाब फिर आप देखिएगा क्या कमाल होता है। और जो वर्जिश कर सकते हैं वो लाजमी एक्सरसाइज करें, जो नहीं कर सकते वो वॉक लाजमी करें। और मैं तो कहती हूँ वॉक जो है वो मैं कर लेती हूँ, 15 से 20 मिनट में वॉक कर लेती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती एक्सरसाइज, मैं नहीं कर सकती बैक बोन पेन होने की वजह से, तो बस मैं वॉक कर रही हूँ, वॉक लाजमी कर रही हूँ। आपने वर्कआउट जो है वो लाजमी करना है, काम शाम करना है, घर के काम शाम कर लें, लेज़ी ना हो, उठें चलें फिरें, तो ये जो है ये लाजमी आप लोगों ने करना है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मैंने एक छोटी सी टिप बता दूँ, यहाँ पे एक नुस्खा मैंने बना के रखा हुआ है,
जो बहुत आरामदेह है, बहुत अच्छा है। आप लोगों ने अपने खाने के साथ वो ले लेना है, जैसे आप रात का खाना खा रहे हो तो उसके साथ आपने ना एक चम्मच वो ले लेना है। उसमें क्या चीज़ें ऐड करनी है, एक तो आपने सफ़ेद ज़ीरा लेना है, और उसमें आपने एक लेना है कलवंजी, और एक लेनी है आपने अजवाइन और थोड़ी सी दालचीनी। तो क्या करेंगे आप, इन चीज़ों का पाउडर बना लें, थोड़ी सी सौंफ भी लेनी है। इसको पाउडर बना के अच्छे से, तो एक चम्मच आप लोगों ने ले लिया करना है, पाउडर बना के आप लोग रख लें, जो भी खाना खाएं उसके साथ एक चम्मच आप लोग जो है वो खा लें। तो फिर आप लोग कमाल भी देखिएगा, वॉक लाजमी करनी है, ये चीज़ें लाजमी करनी है। तो ये मेरी थी जी जनाब आज की जो रूटीन थी, जो मैं क्या कर रही हूँ, क्या खा पी रही हूँ, और वेट लॉस करने की जो मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई है, जो लोग मेरे साथ करना चाह रहे हैं वो मेरे साथ स्टार्ट कर दें। 3 4 दिन हुए मुझे 16 डेट्स से, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, तो हम लोग मिलके करते हैं जी वेट लॉस करना स्टार्ट। तो बाकी इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि वेट जो था मैंने कितना कम किया है, ये कितना नहीं। अब तकरीबन 10 दिन बाद ही मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। तो अब ये जो बीच का टाइम है, इसमें आप लोगों ने जो है वो अपना वर्कआउट स्टार्ट कर देना है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। जो भी अगर आप लोग फ्री टाइम बैठे हो, अगर आपको कुछ क्रेविंग हो रही है, तो आपने को भूख लगी, आपने कोई फ्रूट खाना है ना, तो आप जिसमें मीठा कम होता है, जैसे कि आड़ू हो गया, नाशपाती हो गई, इस तरह के फ्रूट्स आप लोग ले सकते हो। मैंगो और बनाना जो है ना, आप लोगों ने नहीं खाना, बिल्कुल भी नहीं खाना। आप जितना मीठे से अवॉइड करोगे, जितनी आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, उतना ही आपका जल्दी जो है फास्ट जो है वेट लॉस होगा। तो जनाब ये थी आज की मेरी वीडियो। वीडियो कैसी लगी आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना, लाइक करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पर करना है सब्सक्राइब। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, कीप वॉचिंग।